बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं। एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेलवाए, मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान रिएक्शन। वाने माज न्यू वीडियो पर रिएक्शन, लेकर इसका टाइटल है आ गया मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, किससे माफ़ी मांगू और क्यों मांगू। इस वीडियो को आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, उस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। पहले एक नया क्लिप दिखाएंगे जिसमें ये मीडिया के सामने बोल रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की क्यों मांगू किसी से माफ़ी और किस लिए मांगू। पहले हम इस वीडियो को आपको दिखाते हैं, उसके बाद इन्होंने जो गलती की है, जो भड़काऊ बयान दिया था इससे पहले एक वीडियो में, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। तो ये दोनों वीडियो इसी वीडियो में दिखाएंगे, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट से जरूर देखना है। तो वीडियो को ज्यादा देर ना करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं। एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेलवाया, मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगे माफी मांगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। अच्छा, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है? नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। तो माफी मैं किससे मांगूं? मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं, मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेलवाया, उन्होंने कहा है कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। ठीक, मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा। ठीक, और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो, तो मैं किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा और ये मैंने बोला है। लेकिन अच्छा, कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं, अब मेरा फ्यूचर देख लिया, अब बैक साइड में देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ और ना आगे भी कहूंगा। तो माफी मैं किससे मांगू? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अभी इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसको अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है, या किसी पूरी दिखाऊंगा, पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज तक नहीं है, ये भी दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने, तो देख लीजिए। जी, मैं दिखाऊंगा। हाँ सर, ये किसको कहा है? मैंने सरकार को। नहीं, आप अच्छी तरह से सुनिए, हमने कहा है कि जो सरकार, जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी की लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है, सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से। पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। अब दोस्तों, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जो है ना, वो भड़काऊ बातें कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि वो कह रहे थे कि क्यों मांगू और किस लिए माफी मांगू। अब ये वीडियो आप देखो। 26 वो मसनद हमारा होगा, हमारा तुम्हारा, कुछ भी करेंगे मसनद चाहिए। 26 ये मसनद हमारा होगा, ठीक है, कुछ भी करेंगे कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ जी, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है, बहुत सारे मतलब है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर, अब आई बात उसकी, बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा।
लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, जो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको बोल वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई साहब सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का चार फल तोड़ देंगे। सुन लिया, सुना आपने, देख लिया, यही बात है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे भारतीय हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। देखें, ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है, मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, और करें वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती, 68 साल। हम राजनीति किए भैया, खून की राजनीति की हमने, खून की राजनीति की, हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है, खाली आपका साथ चाहिए। देख लिया आपने ये सारी बातें, सफाई देने वाली। गाइस ये थी आप आज की वीडियो, मैंने आपको दोनों वीडियो दिखाई, एक पहले का वीडियो दिखाया था जो वायरल हुआ था और अब का वीडियो दिखाया। तो अब आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।